ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में भारत दूर संचार निगम लिमिटेड उपक्रम से 92,000 के करीब स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में टेलीकॉम जिला धर्मशाला से भी सैकड़ों लोग शामिल थे। टेलीकॉम जिला धर्मशाला के तहत आने वाले दो जिला चंबा और कांगड़ा से आज के ही दिन 221 कर्मचारियों और अधिकारियों ने BSNL से BRS ली है। भारत सरकार के इस सरकारी उपक्रम से अचानक से हजारों की संख्या में सेवानिवृत्ति होने से एक बात तो तय है कि भविष्य में BSNL की स्थिति और कमजोर होने वाली है। देश भर में भारत दूर संचार निगम लिमिटेड उपक्रम से 92,000 के करीब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में टेलीकॉम जिला धर्मशाला से भी सैकड़ों लोग शामिल थे। टेलीकॉम जिला धर्मशाला के तहत आने वाले दो जिलों चंबा और कांगड़ा से आज ही के दिन 221 कर्मचारियों और अधिकारियों ने BSNL से BRS ली है। भारत सरकार के इस सरकारी उपक्रम से अचानक से हजारों की संख्या में सेवानिवृत्ति होने से एक बात तो तय है कि भविष्य में BSNL की स्थिति और कमजोर होने वाली है। आज BSNL एक तरह से अपने हजारों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पूरी तरह से अपाहिज हो गया है। जहां पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहे BSNL की सेवाएं लाचार हालत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, आज एक साथ हजारों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से तो दूर संचार की रीढ़ की हड्डी पर ही जोरदार अटैक हुआ है। अकेले धर्मशाला से ही 45 कर्मचारियों और अधिकारियों ने BRS ली है। ऐसे में भविष्य में BSNL की सेवाएं अगर प्रभावित होती हैं तो इसमें संदेह करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं BSNL से बतौर अधिकारी रिटायर हुए कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय नेता सत्येंद्र गौतम ने इसे BSNL को धाराशायी करने की मंशा करार दिया है। साथ ही उम्मीद भी जाहिर की है कि अगर सरकार BSNL के प्रति अपना सकारात्मक रवैया अपनाती है तो इसमें काम करने वाले युवा कर्मचारी इस उपक्रम को भविष्य में भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। देखिए, कुछ अनिश्चित परिस्थितियां हैं जिसके कारण कि ऐसी इस स्तर पर सेवानिवृत्ति हो रही है स्वैच्छिक रूप से। सरकार की एक योजना थी BRS, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत हमें अवसर दिया गया कि कर्मचारी अपनी मर्जी से शेष समय के जो है उसका वेतन 125% लेके सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से वेतन की अनिश्चितता है, सेवाओं की अनिश्चितता है और बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता है, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियों से लोग जो थे कर्मचारी जो थे वो थोड़े हतोत्साहित हो गए थे और उनको एक बेहतर विकल्प लगा सेवानिवृत्ति का, और इसी कारण इतने स्तर पर ये सेवानिवृत्ति हो रही है। आने वाले समय में जो सरकार की एक सोच है कि इससे वेतन का बिल कम होगा और BSNL बेहतर स्थिति से काम कर पाएगा, तो अगर वो योजना सिर चढ़ जाती है तो BSNL का भविष्य उज्जवल है। उसमें प्रशर्त यह है कि सरकार अगर इस मंशा पर अड़ी रहती है तो